मुंबई से सटे पालघर के वसई की रहने वाली श्रद्धा हत्या के बाद 35 टुकड़ों में फेंकी गई। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने जब दबिश बनाई तो जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। आरोपी आफताब ने पहले श्रद्धा का गला घोटकर हत्या की, उसके बाद तेज धार वाले हथियार से श्रद्धा की डेड बॉडी को 35 टुकड़ों में डिवाइड कर छतरपुर महरौली के जंगलों में फेंका। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के प्रोफाइल की जानकारी बंबल से मांग रही है, जिससे उन महिलाओं का विवरण मिल सके जो कि आफताब के घर उस समय उससे मिलने आई जब शरीर रेफ्रिजरेटर में रखा था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इनमें से कोई महिला हत्या के पीछे का कारण तो नहीं। दिल्ली और मुंबई पुलिस मिलकर बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा की हत्या की खबर मिलने के बाद अब जगह जगह विरोध किया जा रहा है और आरोपी को तत्काल फांसी की मांग की जा रही है। दिल्ली पुलिस से मिली इनपुट के बाद वसई पुलिस ने हत्या के तहत मामला दर्ज कर श्रद्धा की डेड बॉडी सहित आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। कॉलेज के नजदीक वसई कस्बे में रहते थे। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करते थे। मीन टाइम उसका आफ्ताब पुनावाला जो दीवान मान रहता है उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 2019 में कि वह मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे शादी करना है या जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था, लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया नायगांव ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आए थे। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहते थे। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फ़ोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद 6 महीने से सितंबर तक फोन बंद है, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला है नाडर ने। तो पिताजी ने लक्ष्मण नाडर को उसके घर पर बुलाया, डिटेल पूछा तो उसने बोला कि लड़की और वो अब तक साथ में रहते थे 2-2.5 महीने से, सॉरी 2-2.5 साल से रहते थे, लेकिन मार्च 22 से वो शायद दिल्ली रहने के लिए गए। तो लेकिन वो 6 महीने से उनका फ़ोन बंद है। तो ज़रूरी ये बात है कि सच में वो लड़की जिंदा है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, अपने को इंटरव्यू लेना जरूरी है, ऐसा उन्होंने बता दिया। इमीजिएट उसके पिताजी ने एक एप्लीकेशन डाला था वसई पुलिस को, एप्लीकेशन हमारे पास आगे इन्वेस्टिगेशन आया था। मीन टाइम हमारे डीसीपी सर के ने भी हमें बोला कि भाई ये जो एप्लीकेशन के बारे में जो लड़की मिसिंग है उसके बारे में ज़रा पता करना जरूरी है। हमने सुमोटो हमारा जो नहीं जरूरी था, लेकिन हमने सुमोटो वो लड़की का 2-2.5 महीने से, अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से मोबाइल बंद है सब भाई, लेकिन हमारे पास वैसा कोई सबूत नहीं था कि वो लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते हैं। तो हमने सुमोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था और जो हमारे टीम के जो हमारा जो विशेष स्पेशल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर सानप साहब है, उनका टीम है, वो हमने उनका इंक्वायरी वो जो मिसिंग का इंक्वायरी था उनको स्पेशल तौर पर उनको दिया था, क्योंकि वो स्पेशल केस का समस्या उनको हैंड ओवर किया था। उन्होंने उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इंफॉर्मेशन कि भाई ये 6 महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मण नाटक बताया कि हिसाब से सब उसका बंद है। तो बिन टाइम वो आफ्ताब को हमने आफ्ताब जो पुनः लड़का है उसको भी हमने बुलाया उसको मोबाइल फ़ोन करके। तो लड़का आया था, उसके पूरा इंक्वायरी किया हमने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि सब हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का 6 महीने में झगड़ा हो गया, किसी वजह से लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था, हर बात अलग अलग बात।